बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैर से, लक्ष्य करें हम भी खैर से हैं, और हमारे बहन देखें जहाँ भी रहें खुश रहे, बाद में सब मुस्कुराते रहे। और अंदर से बहुत शोर की आवाज़ आ रही है, पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। नहीं आ रही, नहीं आ रही, ऐसे हाँ। ना बोलो, हमें बदनाम ना करो। मैंने कहा देख ले, वो अच्छा चले, अच्छी बात है। आप काम जो है दिल से कर रहे हो, खास तौर पे मेरा भाई जो है वो दिल से काम कर रहा है। आप ये देखें कि इसने कितना माशाल्लाह साफ सुथरा बना दिया, ऊपर आपने पहले भी देखा था इसको, तो अब देखें कितनी ही सफाई इसने दी है, अब बिल्कुल ही बराबर हो गया है। तो अब इसमें जैसे ही पेंट होगा ये बिल्कुल खूबसूरत लगेगा, ऐसे ना। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ठीक है। हाँ प्यारे बहन, प्यारे भाइयों। हाँ जी, तो अब एक कोट और करना है, ये हमारा कमरा जो है बिल्कुल ही माशाल्लाह से कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे कमाल ना, कमाल का हो गया, कमाल का VIP, जिसको यकीन नहीं आ रहा वो यहाँ आकर देख ले। हाँ, तो अभी थोड़ा सा कचरा वगैरह ना बिखरा हुआ है, थोड़ा सा ये देखें गंद तो पड़ा हुआ, जैसे ऐसे तो होगा ना। हाँ, तो जैसे जैसे सफाई होती रहेगी हम आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि हमारे काफी बहन भाई कहते थे जैसे हमारा मकान बना था ना, तो उन्होंने कहा था कि जल्दी से आप ना पेंट भी कर ले तो फिर हम आपका घर देखें, लेकिन हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं थी क्योंकि हमने मकान भी बनवाया था और आपको पता है मकान पे कितने पैसे लग जाते हैं, तो इस वजह से हमने सोचा है कि जैसे थोड़े से पैसे आएंगे फिर हम जो है अपना काम कंप्लीट करवा लेंगे। तो बाहर से तो हमें जैसे थोड़ा सा रंग मस्जिद में बचा था वो हमने यहाँ पर बरामदे में कर लिया, तो अंदर का जो है हमारे पास ना फुर्सत थी ना हमने किया था, ऐसे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, लेकिन अब हमने एक एक हाथ बाहर भी बरामदे में भी लगाना है हमने। अच्छा हाँ, क्योंकि हाँ। उस दिन बस ऐसे ही सरसरी तौर पे हमने कर दिया था। इसका पेंट तो फिर है नहीं, वो बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा पूरा। अच्छा, तो बच्चे बाहर ना आपकी बाइक को खराब कर रहे हैं, ये हम कितना शरारती। हाँ ये देखें, और हम जो है ना वो बहुत ही शरारती बच्चा है, ये देखें उनको भी लगाया हुआ है और खुद भी ना लगा हुआ है उसको खराब करने में। तो अम्मा जो है आई हुई है, तो अम्मा से भी सलाम दुआ कर लेते हैं। और अम्मा कहते हैं कि आपने मेरी वीडियो क्यों नहीं बनाई है। अम्मा अम्मा सलाम कर दे। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह वबरकातुह। अहमद ने ना अम्मा को सिखाया कि पूरा सलाम किया करो, तो अम्मा अब नहीं भी आता ना अम्मा को, तो अम्मा जो है वो करती हैं। किवें अम्मा जी? तो मेरा दुपट्टा पड़ा हुआ था, ये कह रही थी इसमें धागे हैं, मैं धागे बैठ के ना साफ करती हूँ। साफ ठीक है? हाँ, तो धागे जो है ये साफ कर रही थी, तो अब यहाँ से ना नीचे कढ़ाई के थे, अब सारे साफ कर दिए हैं, सफाई कर के थे। अमर रोटी खावनी है, पका दे माँ का नाम में। हाँ क्या जले कम से, वो क्या पता शाम खावा ना खावा। हाँ कावड़ी बती क्या क्या जी, अम्मा को हमने खाना दे दिया, और अब अम्मा से पूछते हैं कि साग कैसा बना। अम्मा की मैं बने आप साग चंगा है? हाँ, तो क्योंकि पहले मैंने क्लिप बनाया है वो ना थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, तो मैंने कहा चले बाद में बना लेती हूँ। तो अम्मा जो है ना फरमाइश नहीं करती, तो मैं अम्मा से अक्सर कहती रहती जो चीज़ आपको दिल करे ना कि ये चीज़ मैंने खानी, आप मुझे कह दिया करें कि आज ये पका लो, तो मैं वही पका लिया करूँगी। लेकिन मैं इनसे पूछती भी हूँ ना, तो ये कहती है कि बस जो चीज़ बना लोगे ना मैं वो खा लूँगी, तो इनकी ये आदत है। तो अभी भी ये शर्म कर रही थी कि नहीं मुझे भूख नहीं है, मुझे भूख नहीं है, तो मैंने ज़बरदस्ती मैंने कहा आप खा लें, फिर कहती अच्छा आधी रोटी है तो ला दो फिर ये खाने बैठ गया। हालांकि मैं आटा रख देती हूँ इनके लिए, मैं कहती हूँ इनको ना ताज़ा रोटी ना बना के दूँ, क्योंकि इनके दांत नहीं है ना, फिर रोटी पड़ी हुई जो है ना थोड़ी सी खुश्क हो जाती है, तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि इनको ना बाद में मैं बना के दूँगी ताज़ा। लेकिन ये कह रही थी कि मुझे ना इतनी ज़्यादा भूख नहीं, आप जो पड़ी हुई है थोड़ी सी वही ले आओ। तो मेरा यहाँ पर ना वो रोटियाँ को ढाँपने वाला कंदूरा जो है ना वो इधर नीचे गिर गया है, तो अभी मैं वो उठाती हूँ। कहाँ गिरा है कुत्ता भी दस हाँ, ये देखिए हट, पता नहीं कहाँ चला। हाँ ये ऊपर खड़ा हुआ है, शुक्र है नीचे नहीं गिरा, वरना यहाँ पे कुत्ता भी था तो इसने ना मेरा ये गंदा कर देना था। ये देख रहा है, पता नहीं काटे ना, तो ये ठहरा हुआ है ऊपर, शुक्र है ऊपर ठहर गया, वरना मुझे ना ये फेंकना पड़ता। तो मैं आपको बाहर का माहौल भी दिखा देती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये
सरसों के फूल जो हैं वो हो चुके हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो मैंने जो है दो तीन दफ़ा ना इनमें से ना थोड़ा सा ऊपर से जो डंडियां हो जाती थी साग की, वो मैंने निकाल के वो मैंने बनाया है और बहुत मज़े का बना है। तो अभी चलते हैं घर। और यहाँ पे लकड़ियाँ भी हमने ना कुछ कटवा के यहाँ पे रखी हुई थी, ये भी हम ना फिर ले जाएंगे जलाने के लिए। देखें जी, ये काम काज करता नहीं है, बस वेला ही घूमता रहता है। अब अंदर मैं इसको काम के लिए छोड़ के आई थी, ये फिर यहाँ पे बाहर, इसने देखा है कि बाहर चली गई है, फिर ये बाहर आके खड़ा हो गया है। इनसे पूछते हैं, आपको कोई काम वगैरह नहीं है? हेलो। शादी हमेशा अच्छा खाने बनाने वाली लड़की से करनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि प्यार कम हो सकता है, भूख नहीं है। क्योंकि प्यार कम हो सकता है, भूख नहीं। अच्छा चले, काम हो गया? नहीं, आप जल्दी से उसके साथ करवाओगे तो होगा ना। वो पैरस अभी ना फिलिंग कर रहे हैं तो वो अभी सूखी नहीं है। अच्छा, इसलिए ना फिर आप एक और काम कर लो, जैसे स्टूल बड़े हुए पंखा साफ कर लो। पंखे साफ करना मर्दों का काम नहीं होता, औरतों का काम होता है। वो मेरा कद नहीं जाता। कद मैं पहुंचा दूंगा, देखना कैसे पहुंचता है। मेरा कद छोटा है तो मैं ना स्टूल के ऊपर खड़ी होती हूँ ना, तो मेरा ना ऐसे टांगे काम। मैं आपको मुंडे पे उठा लूंगा। तो कद पहुंचाऊंगा भर पंखे के ऊपर मैं। क्या मतलब, लेकिन सफा आपसे करवाऊंगा। अच्छा चले, देखते हैं। तो फॉर्म भी हमारा, जिद पे ना फंसाओ, फिर मैं अड़ जाऊंगा जिद पे, फिर आपको करनी पड़ जाएगी सफाई। अच्छा इधर पीछे हटो, तंग ना करो। और इधर देखो, और हमने ये फॉर्म भी थोड़ा सा यहाँ से फाड़ दिया, बहुत ये फाड़ा है, हमने नहीं फाड़ा। अच्छा अरे यो किधर है यो, वो वो हाँ वो क्या नहीं, वो मैं अकेला पे आऊंगी। वो किधर है यार, वो ये मेज इसने रख दिया है अहमद ने। आप ये हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि पंखों के रिमोट किधर हैं? वो मिल जाएंगे, वो भी पड़े होंगे। तो यहाँ से अब दोबारा से स्टार्ट हो चुके, ऊपर से देखें गीला है हाँ, और नीचे से जो है वो खुश्क हो चुका है। तो खिड़कियों का भी कलर हमने लिया हुआ है इस खिड़की का, तो क्योंकि हमने सोचा दीवारें अच्छी लगे और खिड़कियां जो है वो बुरी लगे। तो मैं तो भाई कह रही हूँ बात छोड़ो छोड़ो, लेकिन ये खुद ही कह रहा है नहीं मैं करके जाऊंगा, तो सारा घर पेंट करके जाऊंगा। मैंने कहा अच्छा फिर लगे रहो, क्योंकि मैं ये सोच रही, मैंने कहा घूमने फिरने आए हैं तो इतने दिन बाद आए हैं, तो मैंने कहा चले घूम फिर लें। यहाँ पे सारा दिन हम काम करवाते रहे ऐसे इनको थकाते रहे, तो ये अपनी मर्जी से लगा हुआ है ऐसे ना। मेरी फट गई है देखो। अच्छा कोई बात नहीं, पुराने हैं वैसे भी। वो किल फंस गया आपके जहाज वाले वो नहीं टेबल उसका। अच्छा, और आप मेहरबानी करो पंखों के की वो कहते हैं किल, कह रहा हूँ किल ढूंढो, रिमोट ढूंढो। हाँ मैं ढूंढती हूँ। वो देखो बिल्कुल वो मर मर के चल रहा है, उसकी स्पीड बढ़ाए ताकि जल्दी सूखे पेंट। अच्छा चले, मैं ये ढूंढ के आपको देती हूँ, आप ना जल्दी से करवा लो, शाम हो चुकी है, फिर हम बेड वगैरह जो है अपना सेट कर ले। चले जी, अम्मा थक के सो चुकी है। अम्मा कह रही है मैं जाऊं, मैंने कहा चुप करके बैठ जाओ, फिर कहती है मैं जाऊं, मैंने कहा चुप करके बैठ जाओ, बेचारी सो गई। अम्मा बेचारी लेट गई है, ऐसे झांक रही है कि ये जाने तो मुझे वैसे नहीं दे रही, चले मैं लेट ही जाऊं। तो नीचे थोड़ा सा कचरा पड़ा हुआ, वो पाँव में लग रहा है। तो यहाँ पे ये कपड़ों को तीन चार दिन हो गए हैं सूखते, सूख ही नहीं रहे, ये मोटे थे ना इसके अनाया के। तो आज अरहम की यूनिफॉर्म भी धोई है, तो अभी इनको उठा के धूप में रखते हैं और फिर सामान वगैरह कुछ अंदर रखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा रह गया पेंट। और इसको बोट भी ढूंढ के देती हैं अहमद को, किधर रखा है पता नहीं, मैंने रखा है लेकिन अरहम जो ना इधर उधर फेंक देता है। लाइट आ चुकी है तो ढूंढते हैं जी रिमोट। ये देखें जी, ये पड़ा हुआ है टीवी पे, ये पंखे का रिमोट। तो इसमें सेल तो नहीं होंगे, सेल जो है हम इसमें से निकाल लेते हैं टीवी वाले में से। तो फिर ये देते हैं, अब गर्मी आ रही है तो फिर इंशाल्लाह ना हम सेल भी लेंगे और पंखे के रिमोट भी ढूंढेंगे। तो पता नहीं, मैंने रख देती हूँ शाम के, फिर मुझे याद भूल जाता है। ये लो ये लो, और उसको ना तेज करो पंखे। अच्छा ये तो पकड़ो, आप सेल डाल दो, सेल तो है, सेल डाल दो। मैं समझा ये रिमोट, ये टीवी का रिमोट है। हाँ
क्योंकि हम टीवी वगैरह अक्सर चलाते रहते हैं ना, हम कभी कभी गाने सुन लेता है, कभी नाते सुन लेता है, कभी तिलावत। हाँ तो इस वजह से मैंने ना भूली हुई थी, मैंने कहा पता नहीं रखे का ये शुक्र है मिल गया है सेल। सेल तो इसके अंदर है ना, लेकिन इसको हिला लो ना थोड़ा सा। नए सेल हैं, खराब भी नहीं है, हमने सिर्फ गर्मियों में लिए थे तो ये चलते नहीं रहे ना। है? चलते नहीं रहे ना। हाँ। सारा पसीना आ गया इसके अंदर भी। तो ये पंखा जो है बहुत स्लो चल रहा है, तो ये कह रहे हैं पंखा को थोड़ा ऐसा कर लेते हैं तेज। हाँ तो आपको सर्दी लगेगी, उसको भी सर्दी लगेगी। नहीं, हमें गर्मी हो रही है काम करते हुए, पता है। अच्छा चले, ये जी पंखा हो गया तेज, तो अभी ये जल्दी सूख जाएगा। और स्मेल क्योंकि पेंट की इतनी ज्यादा होती है ना, दिमाग पे लगती है, तो जैसे जैसे सूखता रहेगा तो इसकी स्मेल भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। फिर हम बेड वगैरह अंदर रख के ना अपना बिस्तर वगैरह बना लेंगे। तो अभी अम्मा रवाना हो रही हैं, तो अम्मा को करते हैं रवाना। अच्छा अम्मा वे भी पाई जी है। हाँ तो अम्मा जा रही हैं, अम्मा कह रही हैं कि मुझे अपना, हाँ अम्मा कह रही हैं मेरी दोस्तें हैं जो मुझसे ना नंबर नहीं व्लॉग का नाम पूछती हैं, मुझे व्लॉग का नाम लिख के दो। तो अभी इनको व्लॉग का नाम लिख के देते हैं और फिर ये जाती हैं और अपनी सहेलियों को ना यह देंगी। अल्हम्दुलिल्लाह से जी हमारी सफाई जो है वो शुरू हो चुकी है। अहमद जो है वो सफाई कर रहे हैं, झाड़ू वगैरह लगा रहे हैं, तो काफी कचरा जो हो गया था। आगे से आ जाए ना, और मैं पेड़ तो दिखा लूं क्या होगा, लाइट बंद होगी तो फिर अच्छा नजर आएगा। हाँ ये ना ऐसे धब्बे, अभी गीला है कुछ और कुछ जो है खुश्क हो चुका है, तो धब्बे नजर आ रहे हैं, तो जैसे ये खुश्क होगा ना फिर ये अच्छा हो जाएगा। तो पंखा हमने चलाया हुआ है, पूरे घर की सफाई कर रहे हैं क्या? कौन तुम? इतने चले जी माशाल्लाह से एक कमरा हो गया है और अब सुकून भी आएगा। थक चुके हैं हम ना, कितने दिन हो गए हैं इसे कमरे को लेके ना। अपना हमारे पास ना एक चीज है, वो आपको दिखाते हैं, इधर आ जाओ। क्या है ये? हाँ ये हमारी जो पहले वाली लाइफ थी ना उसका हिस्सा है। हाँ। और इसने हमारा बड़ा साथ दिया है। पहले हमारा जब एक कमरा होता था ना एक, तो तब हमने इसको लिया था, खरीदा था 100 रुपए की, और हम इसको ना बैटरी से चलाया करते थे, बैटरी से तारे जोड़ देते थे और फिर ये लाइट जलती थी। तो अब भी हमने इसको नहीं निकाला घर से, तो ये जो है ना इसने हमारे साथ काफी भलाई की है। तो मेरा भाई कह रहा था इसको निकाल दो, अभी इसको क्यों लगाया? मैंने कहा नहीं ये हमारे पुराने कमरे की ना निशानी है। हाँ जी बिल्कुल, ये हमने नहीं निकालनी, ये ऐसी ठहरी रहेगी, और इंशाल्लाह हम ना दोबारा से तार जो है प्लेट की यहाँ पे लगाएंगे और ये दोबारा से ऑन होगी। हाँ, लेकिन हमारे पास अभी फिलहाल ये जो है ना डीसी है पड़े। हाँ लेकिन फिर भी हमने इसको ज्यादा नहीं उतारना, क्योंकि इसने हमारे साथ काफी मतलब साथ दिया हमारा। हाँ। हम जिस और ये आपने अपने पैसों की भी नहीं ली थी, याद है? पैसों की ली थी नहीं, एक आपका दोस्त था उससे आप लेके आए थे पैसों। मैंने 150 रुपए दिए थे। अच्छा हाँ जी। हाँ, हाँ। दोस्त क्या कहता है, कैसे ले जाओ? नहीं वो फिर उसने माफ भी कर दिए थे कुछ। नहीं मैंने दिए थे उसको पैसे। हाँ वो कह रहा था कि आप ना लेके जाओ, उस वक्त हमारे पास फुर्सत नहीं थी कि ना हम ले लें, तो इस वजह से ना फिर इसने हमारा काफी साथ दिया है। हाँ जी। तो अब कौन सा काम स्टार्ट करना है कि रेस्ट करनी है? अभी तो शाम हो गई है। हाँ अभी यहाँ का खत्म होगा, इंशाल्लाह सुबह जो है हम बरामदा करेंगे ऐसे ना। हाँ जी बिल्कुल, बरामदे के बाद फिर कमरा और फिर किचन इंशाल्लाह, और वॉशरूम का भी साथ कर लेना फिर, ठीक है जी, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह। मजदूरों को हो गई है छुट्टी, तो मजदूरों को दोबारा से साग खिलाते हैं, क्योंकि 3 दिन हमने साग का खुदा का खौफ करो कि हमारी पोसी भी साबुदाना शुरू हो गई है। साग खिला खिला के नहीं पता क्या, अब ये कोई और चीज खिलाओ ताकि पोसी हमारी और कलर की हो। मेरी बात सुनो, ये ना बस आखिरी दिन था, फिर ये अब खत्म हो जाएगा गर्मी। आखिरी दिन परसों साग पकाया है, आज भी खिलाया, कल भी खिलाया, आज नहीं तरसो बल्कि कल भी खिलाया, आज भी खिलाया, 3-4 दिन और भी चलेगा, देखा पूरा भरा हुआ है। नहीं अच्छा बस शाम सुबह खाना और फिर शाम को खाना बनाएंगे और ठीक है, चलो मर्जी है, देखते हैं कितना चलता है। वो आज वैसे गोश्त लेके आए थे, वैसे मैं सोच रही थी कि आइए आलू में डाल देते ना फिर अच्छा, बस मेरे जहन में नहीं रहा तो वो मैंने दोबारा से साग में डाल दिया। और ये हमारी मानो पुरानी अभी भी हमारे घर में है, इसके बच्चे जो है ना इसको छोड़ के जा चुके हैं बेचारी को ना,
इसके बच्चे चले गए, पकड़ो। हाँ तो छोटे छोटे बच्चे ये हमारे घर लेके आती थी, उनको भी खाना खिलाती थी, खुद भी। अब ये बेचारी अकेली फिरती है, वो छोड़ के चले गए इसको। हाँ जी, और इस सीढ़ी के है ना, हमने यहाँ से फट्टे जो थे ना वो सारे निकाल दिए हैं। सुबह अबू आए थे, वो अबू और मैं मिलके ना निकाले हैं फट्टे। और माशाल्लाह जी, शाम का नज़ारा चेक करें, जबरदस्त। सूरज जो है वो ग़ुरूब हो गया है, हल्का सा बचा हुआ है यहाँ पे, और आसमान के ऊपर बादल। वाओ कमाल। रातल मेले च सारे लोग सोने हन, ओ एक वखरी ढेर सजी खड़ी है। रातल मेले च सारे लोग सोने हन। अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम अभी रोक दिया है, क्योंकि रात हो चुकी है ना, इसलिए सामान वगैरह रिवर्स लगा दिया है सारे का सारा। थोड़ा सा ये पेंट कम हो गया था, फिर हमने इस पेंट में मिक्सिंग की, थोड़ा सा लाइट कलर डार्क कलर के अंदर मिक्स किया, ये वाला पेंट उधर मिक्स किया, तो ये कुछ फिर बन गया। और फिर हमने जो है ना, वो दीवार का टुकड़ा बच रहा था डार्क कलर वाला, वो हमने फिर उधर कर दिया, तो ये पेंट हमारा जो है वो बच गया थोड़ा सा। तो फिर देखेंगे किसी और दीवार में इसका जुगाड़ लगाएंगे, क्योंकि हम पूरा घर जुगाड़ से ही कर रहे हैं। कुछ पेंट हमारे घर में बचे हुए थे, फिर इसी तरह ही जो है ना मेल जोल करके ना फिर हमने पूरा घर किया है। तो अभी वैसे भी रात हो चुकी है, तो मैंने कहा आप सबको दिखवाता हूँ जी कमरे की लुक। चेक करें जी, माशाल्लाह कितना प्यारा बन चुका है माशाल्लाह। आप सब ने माशाल्लाह लाजमी कहना है। छतें वगैरह भी पेंट हो चुकी हैं, इधर वो दीवार हमने डार्क की है, और तीन दीवारें जो है हमने लाइट की हैं। तो उसके साथ जो है हम इस अलमारी को भी पॉलिश करेंगे, भाई पॉलिश कर देगा वो हमें। उसके साथ बेड वगैरह को भी पॉलिश कर देंगे, ये नए हो जाएंगे बेड वगैरह। और पेटी को भी ना हमने टाकी वगैरह लगा के ना इसको भी साफ़ सुथरा हमने कर देना है। उसी के साथ ये पंखे वगैरह सफाइयाँ वगैरह का काम जो है ना फिर वो समीना का शुरू हो जाएगा, फिर वो पंखे वगैरह सफाइयाँ वगैरह सारी जो है वो खुद ब खुद करती रहेगी, क्योंकि वो छोटे मोटे हल्के फुल्के से काम है, वो बंदा घर में खुद करता रहेगा, करता रहता है आस्ते आस्ते। तो इसी के साथ ये खिड़कियाँ दरवाजे और वो वाली खिड़की जो है ये हमारी पेंट होगी, ये हम इसको अच्छा सा ब्राइट ब्राइट सा कलर जो है ना इसको करेंगे, फुल तेज़ भी नहीं होगा और इसको ब्राइट करेंगे, जो कि खिड़ा खिड़ा सा कलर हो, क्योंकि हम आपको पता है वीडियोज़ बनाते हैं ना तो उसमें भला लगे, आँखों को भला भला लगे, हमने वो पेंट करना है। हमारी तो यही सोच है, बाकी आप सब ने बताना है कि हम क्या करें। तो इस ये जो खिड़की सीढ़ी है ना हमारी, ये हमारी सीढ़ी बच जाएगी, ये इस बार पेंट नहीं होगी, क्योंकि ये जो है ना प्लास्टर नहीं हुई हुई। तो जब हम इसको प्लास्टर करवाएंगे ना फिर हम इस सीढ़ी को पेंट भी करेंगे। फिलहाल जो है बरामदे से अंदर वाला जो हमारा काम है ना, तीन कमरे और ये बरामदा, इसको हमने सेट करना है। और देखेंगे ये फ्रंट भी उसकी जो ये ऊपर वाली जो पट्टी है ना, ये फ्रंट ये देख लेंगे इसको, अगर कोई टैम बचा पेंट बचा तो फिर हम इसको जो है ना इसका कोई जुगाड़ लगाएंगे और फिर इसको भी ना हम कर देंगे। भाभी और भाई अद्रेस जो है वो गए हुए हैं मेरे अब्बू के घर, क्योंकि उन्होंने अब्बू ने मेरी बड़ी सिस्टर ने इनको किया है जी दावत होती है ना वो, क्योंकि इनकी शादी नई नई हुई थी ना, फिर ये पहली बार हमारे घर में आए शादी के बाद, तो फिर जो है ना उन्होंने बेसिकली इनको इनवाइट किया कि आप आएँ और खाना वगैरह हमारे घर में खाएं। तो क्योंकि हमारे गांव में ऐसे होता है, हमारे यहां तो ऐसे होता है लेकिन अब हमें किसी और का नहीं पता, क्योंकि हमारे यहां ऐसे होता है कि जब किसी की नई नई शादी होती है ना, नए नए दुल्हन दुल्हन होते हैं, फिर उनको जो है ना लोग दावत करते हैं, इन्वाइट करते हैं, अपने घर बुलाते हैं और वो अपने दुल्हन दुल्हन को जो है वो खाना खाते हैं, दावत खिलाते हैं, मतलब इसलिए हम ये भी दावत खाने के लिए गए हुए हैं। अभी जी खाना वगैरह हमारा तैयार हो चुका है, तो खाना वगैरह खाते हैं, और भाभी और भाई तो उधर से खाना खा के मेरे ख्याल में आएंगे अबू वालों के घर से। तो हमने यहाँ बना लिया है, घी क्यों लगा दिया रोटी को? मैंने कहा चलो खाते हो शॉप से। नहीं वो तो साग है। अच्छा अच्छा चले। अभी जी साग है हमारे पास वो दोपहर वाला, उसमें हमने चिकन मिक्स किया था, तो वही जो है ना अभी खाएंगे। अगर आप सब भी खाना है तो आप भी आ सकते हैं जी। ये है जी वो साग हमारा, गरम कर लिया इसको।
चलें जी तवे के ऊपर फ्राई करेंगे हम इसको, और छू छू जाती आ रही है और मेरे मुंह में पानी आ रहा है साग को देख के, क्योंकि भूख लगी हुई हो ना फिर ज़्यादा मज़ा आता है खाने का, है ना। हाँ मुझे ज़्यादा भूख लगी हुई है। टांग के दर्द का कैसा है अब हाल? बस ठीक है। पिछली रात मुझे टांग में दर्द हुआ है, पूरी टांग के अंदर ना हड्डी के अंदर दर्द था, पता नहीं वो टांग मेरी जो थी ना वो नीचे वाली साइड पे थी मेरे ख्याल में, वो उसकी वो कोई नस वगैरह चढ़ गई थी क्या, पूरी टांग में दर्द होता रहा सारी रात। बड़ी मुश्किल से फिर सुबह जब 3-4 बजे ना, उसके बाद फिर शुक्र अल्लाह का दर्द जो है वो कुछ ख़त्म हो गया, तो मैंने कहा चले अल्लाह पाक की कुदरत है कि दर्द ख़त्म हो गया मेरा। और अगर आप सबने खाना खाना तो आप जल्दी से आ सकते हैं, खाना खा सकते हैं चिकन वाला साग।